चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महावैक्सीनेशन को लेकर कहा कि सेकेंड डोज को लेकर लोगों में उदासीनता है, तय सीमा में डोज लेना चाहिए, इसलिए 25 और 26 अगस्त को महावैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उज्जैन की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 3,96,81,000 को वैक्सीन लग चुकी है। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को जायडस कैडिला वैक्सीन की मंजूरी पर उन्होंने कहा कि केंद्र का जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, जो कार्यक्रम मिलेगा उसे जमीन पर उतारेंगे। राजधानी की सड़क में गड्ढों को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन सब बातों का संज्ञान खुद लिया है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी अधिकारियों से जाहिर की है और निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द गड्ढों को भरा जाएगा। वहीं 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े स्कूल अभी खुले हैं, अभिभावक की सहमति, टीचर्स का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की बीच जाकर काम करती है, मुस्तैदी के साथ काम करें, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभारियों को नियुक्ति दी गई है। उज्जैन की घटना पर सारंग ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता कि कुछ लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इस तरह की गतिविधियों को होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस तरह के लोगों को कांग्रेस संरक्षण देने की बात करती है। मुनव्वर राणा देशद्रोही तालिबानी का समर्थन करते हैं। देश की जनता ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर पूरी तरह से समाप्त किया है। हम 3,96,81,00,000 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा पाए हैं, ये उसी का परिणाम है। और देश की सरकार ने हमें इंसेंटिव देते हुए 50,00,000 एक्स्ट्रा डोज देने की जो निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से हमारी कार्य पद्धति पर केंद्र सरकार की मोहर है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। देखिए, जैसे ही केंद्र सरकार का जो भी निर्देश हमें इस मामले में मिलेगा उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम वैक्सीन को लेकर हमने वृहद कार्यक्रम किया है और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन को किया है, इसलिए यदि जो भी हमें केंद्र सरकार की ओर से निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेगा, उसको हम जमीन पर अक्षरशः उतारने में सक्षम हैं। देखिए, हमने भी स्कूलों का संचालन शुरू किया है, बड़ी क्लासेस के स्कूल शुरू हुए हैं, पर बहुत जगह अभिभावकों की इस बात को लेकर कुछ रेजिस्टेंस है। जो बड़े स्कूल भी शुरू हुए हैं उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया है कि अभिभावक की सहमति से ही स्कूल शुरू हों। अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन तेज़ी से हो रहा है, ये सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल हो या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी टीचर्स हैं उनका 100% वैक्सीनेशन कर लिया जाए और धीरे धीरे स्कूल सुचारू रूप से चले, इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय विकास के प्रति सजग रहते हैं और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री इन सब बातों का संज्ञान लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय दिया है, निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जिन सड़कों में गड्ढे हैं उनका संधारण हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले दिनों में भी इसको कार्यक्रम बनाकर समयबद्ध ये निश्चित किया जाए कि सड़कों की स्थिति हर समय अच्छी रहे। कुछ नहीं हो सकता, उज्जैन की घटना की त्वरित के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो संदिग्ध हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, देशद्रोह का प्रकरण दर्ज हुआ है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस तरह की किसी भी मानसिकता को और गतिविधि को मध्य प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। पर प्रश्न उठता है कि ऐसी गतिविधियों का समर्थन भी कांग्रेस और वामपंथी नेता करते हैं। JNU में जब कन्हैया ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने उसे संरक्षण देने की बात की। मुनव्वर राणा जैसे देशद्रोही तालिबान का समर्थन करते हैं और कांग्रेस उन्हें संरक्षण देने की बात करती है। कांग्रेस के नेता लगातार, चाहे वो चिदंबरम हो, चाहे शशि थरूर हो या दिग्विजय सिंह हो, वो लगातार अलगाववाद की बातें करते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं
और यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका कारण केवल कांग्रेस और वामपंथी नेताओं की पाकिस्तान परस्ती है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।